बरेली के भोलापुर की रहने वाली सकीना की भूख से मौत हो गई। दरअसल प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद नए सिरे से राशन कार्ड बने और बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाने के बाद कोटेदार राशन देने लगे, लेकिन सकीना के घर में कई दिनों से खाना नहीं बना था और उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। कई दिनों तक भूखे रहने की वजह से 50 साल की सकीना बीमार पड़ गई। सकीना के पति जब कोटेदार के यहां राशन लेने गए तो कोटेदार ने राशन देने से इनकार कर दिया और ये कहकर वापस कर दिया कि सकीना बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाएंगी तभी राशन मिलेगा। बीमार सकीना की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोटेदार की दुकान जा सके और सकीना के नहीं जा पाने की वजह से उनके पति को राशन नहीं मिला। फिर वही हुआ जिसका डर था, सकीना की भूख से मौत हो गई। किताब दे दो, हम भूखे हैं, रात हमारे घर पर खाने को भी नहीं है। तो बोले नहीं, जब लोग वो नहीं आएंगी जब लोग मैं गल्ला नहीं लूंगा। मैंने किताब वो आने लाख ही नहीं है, देख लो ना, मोहल्ले वाले भी गवाही दे रहे थे कि बहुत तबीयत खराब नहीं है, मगर बोले भाई नहीं, जब लोग वो नहीं आएंगी गल्ला जब ही मिलेगा। तो मजबूरन साहब मैं उस पिछले महीने लेके गया उसमें थैली पर डाल के, तो मैंने कह लो अब तो दोगे, बोले हाँ अब दूंगा। पिछले महीने तब मिला मुझे, इस महीने नहीं मिला कटाई भी। अच्छा, कितने दिन से भूखी थी? 5-6 दिन हो गए साहब, कुछ खाने को राशन तक कुछ भी नहीं था और हम बीमार अपने पड़े हैं तो कमाने ना। सकीना बहुत ही गरीब थी जिस वजह से उनका गरीबी रेखा में नाम था, अंत्योदय राशन कार्ड बना हुआ था। सकीना के पास एक ठीक झोपड़ी भी नहीं थी, झोपड़ी के ऊपर पन्नी डालकर उनका परिवार गुजारा कर रहा था, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम को फिर भी उन पर दया नहीं आई। न तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला, न ही शौचालय। जो राशन मिलता था वो भी नहीं मिला और भूख से तड़प तड़प कर सकीना की मौत हो गई। आस पड़ोस के लोग कभी कभी कुछ खाने को दे देते थे तो उससे उनका थोड़ा बहुत काम चल जाता था, लेकिन आस पड़ोस के लोगों के घर से खाना लेने में उन्हें झिझक महसूस होती थी। अब उनकी मौत के बाद प्रशासन मामले की लीपापोती में पूरी तरह से जुटा हुआ दिख रहा है। देखिए, जैसा कि प्रथम दृष्टया मालूम चला है कि महिला की मौत हुई है और अखबारों के माध्यम से ही हम लोग को मालूम चला है, तो हम लोगों ने मौके पर जाके देखा भी है, तो देखने पर पता चला है कि उनका जो अत्यंत गरीब लोगों का राशन कार्ड है अंत्योदय, वही उनका बना हुआ है। पिछले महीनों में उनको खाद्यान्न मिला भी है। अब वास्तविकता में मौत का क्या कारण है इसकी जाँच करवाई जा रही है। यूपी में हफ्ते भर में भूख से मौत की ये तीसरी घटना है। इससे पहले देवरिया में भूख से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। भूख से मौत मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध भले ही हो, लेकिन एक ऐसा अपराध है जिसके लिए किसी को कोई सजा नहीं होती।